तो ये सेटअप कैंप का लग रहा है, थोड़ा सा अंदर को गाड़ी जाती दिखी आपको तो उतना दूर है, थोड़ा सा जंगल सा ये। नमकीन बाद में खाई, पहले खाना बनाएंगे यार। भूख लग रही यार। खाना दोस्तों हमारी सब्जी कट चुकी है। अच्छा दोस्त भैया, अब ये प्याज टमाटर काट के अब थोड़ा सा ये हो गया है, कोई जो हमने बनाया हुए थोड़ा। तो भाई हमारी अब चाय तैयार, अब ये मैगी अपने आखिरी चरण में है, तो हो गई मैगी तैयार, अब खाते हैं फटाफट फिर जाते हैं। गर्म नहीं लग रहा। हाँ ये हो गया इलायची का दूध तैयार, हमारी चाय का कहाँ है। तो अभी हम जा रहे हैं लाहौल स्पीति का बाइक ट्रिप है, 7-8 दिन का। तो बेसिकली हम होटल में कम रहेंगे, दिस विल बी अ बजट ट्रिप, ठीक है। तो कम से कम तो हमारा सेल्फ कैंपिंग, स्लीपिंग बैग, बर्तन खाने के खुद ही ले आ रहे हैं, तो खाना खुद ही बनाएंगे, पैसे बचाएंगे, ठीक है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ट्रैश बैग ले आ रहे हैं, जो भी हमारा कूड़ा होगा हम तो अपना साथ ही वापस लेके आएंगे और पहाड़ को गंदा नहीं करेंगे। यार अब हम निकल चुके हैं दिल्ली से, अब हम देखते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं, ठीक है तब कुछ आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट वीक कैसे आते हैं, फॉलोअर कैसे जाएंगे, जर्नी पहला दिन दूसरा दिन कैसे करें सब बताएंगे आपको। मौसम हो रहा है, मौसम सामने बादल भाई। ये पहुंच गए हम शिमला, अभी हम कैंपिंग का स्पॉट। हो तो यार जगह मिल गई है, बड़ी मुश्किल से घूमते घामते इस पूरे जंगल में, तो सुनसान है, तो हम कैंप के लिए जगह मिल गई है, अपना ये टेंट लगा देंगे आज, ठीक है। तो अभी जाते हैं उस तरफ वहां पे। तो ये सेटअप कैंप का लग रहा है, ये लगा रहे हैं। थोड़ा रोड से अंदर ढूंढा था हमने, रोड पे काफी जगह थी, पर रोड पर इसकी कोई गाड़ी वाला ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलाते, तो रोड से थोड़ा सा अंदर को गाड़ी जाती दिखी आपको तो उतना दूर है, थोड़ा सा जंगल सा ये, तो देखते हैं कितना सेफ होता है। भैया हो गया है तैयार सेटअप, नमकीन बाद में खाई, पहले खाना बनाएंगे यार। भूख लग रही यार। खाना बना फिर, चल अंधेरा भी काफी होने वाला है, तो सामान अंदर रख देते हैं पहले, फिर खाने का अंदर से देखेंगे सामान निकालने का। सामान अंदर रख देते पहले, प्याज टमाटर काट दिया है, प्याज टमाटर काट चुके हैं। अच्छा नहीं, ठीक है जल्दी जल्दी काटो, भूख लग रही है बहुत तेज की, पर डर भी बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा। कोई डर नहीं है, कद्दू आएंगे तू बना, वरना या तो हम दिल्ली आएंगे, बना तू जल्दी बना, या फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस फटाफट से फिर खिचड़ी रखते हैं। ये मेरा फिट होता नहीं है साला, ये हमारा छोटा सा गैस चूल्हा, इसमें बनाएंगे खिचड़ी। देखो दोस्तों ये हमारी खिचड़ी का सामान तैयार हो चुका है और अब गैस जलाने की तैयारी है, तेल डाल दिया है भैया, अब गैस खोलो बाहर, मेरे को दोस्त को गैस खोलो ना, फिर मैं रखूंगी तभी तेल। भैया अब ये प्याज टमाटर काट के थोड़ा सा ये हो गया है, कोई खिचड़ी रख चुके हैं हम, मिस पूजा मैं बाहर हूँ इस टेंट के और मैं खाना बना रही हूँ, अगर मुझे कोई जानवर ले गया कोई नहीं उसने तो बना, तो गैस देख लेना फिर आप। तो भाई अब खाना बन गया है टेंट के अंदर, ठीक है भैया। तो भाई ऐसा है, हमने ना बड़ा पीसे बचाए हैं भाई, खाना हमने लिया है सामान 20-30 रुपए का होगा, तो 300 का खाना हम खा ही लेते, कल 2 दिन का बचा हुआ सामान 20 का होगा। भाई अचार का है, अचार दो, अचार कौन सा भाई, ऑप्शन बता रहे हमारा कौन सा, मतलब आम मिक्स आएगा, नींबू का दू, मैंगो दू,
या मिक्स वाला दूं? मिक्स वाला। और रायता का है? रायता भी मंगवाती हूँ। दाल कच्ची है, लहसुन भी नहीं पका है वैसे देखा जाए तो। यार देखो मैंने ना, मैं कुकर में बनाती हूँ, डेगे मैंने पहली बार बनाया है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। खा लें पेट तो कोई बात नहीं, तो मैंने बना दिया है। अरे यार बीच जंगल में। मॉर्निंग गाइस, यार सुबह हो गई है, उठ गए 5 बज रहे अभी। और झोपड़ी हमारा कैंप था, बैठे अंदर अभी थोड़ा चाय पीते हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, मैगी बनाते हैं, फिर जाते हैं। यार कल शिमला की साइट सीइंग रह गई थी क्योंकि हम शिमला पहुंचे थे 5:30 बज गए थे, फिर शिमला घूमने का उस टाइम कोई बेनिफिट था नहीं, तो अब शिमला स्किप भी करते, बट हमने शिमला कभी देखा नहीं था तो अब यहाँ तक आए हैं। और शिमला एक दो चीजें हैं रहता ना कि शिमला आए और देखा नहीं तो कवर कर लेते हैं, बट काफी है। तो आज का दिन शिमला के बाद हमारा सांगला तक पहुंचने का रहेगा कि शाम तक हमें सांगला तक पहुंचना है, फिर उसके बाद हम कल जाएंगे चितकुल, चितकुल तक जाएंगे, फिर वहां से चितकुल का साइट सीइंग करेंगे। ये है काफी एडवेंचर यार, नया है, मतलब अभी तो कुछ एडवेंचर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बस हम नॉर्मल जो सिविलाइजेशन के अंदर ही हैं। शिमला काफी मतलब पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो जो ऑफ बीट है और ऑफ रोड है वो आगे में मिलेगा। हाँ जी आ जाओ बाहर घर के अंदर से, ठंड लगी तो ठंड होगी, शिमला घूमेंगे आज तो। तो भाई हमारी चाय तैयार, फिर हम जैसे बताया था अभी जाएंगे हम शिमला, 2-3 जगह है, कुछ खास तो नहीं, मेरा मन तो नहीं है बट मैडम को कह रहे हैं जाना है। उसके बाद जाएंगे कुफरी, कुफरी शिमला 2 घंटे खराब करेंगे। चाय बन गई भाई न्यूली बुटेन गैस में, दिस इज वो है हमारी बाइक, छोटी सी दिख रही है, थक जा रहा है। दिस इज चाय के बाद नाश्ता की तैयारी, मैगी जी मैगी जल रहा है गैस। अच्छा फ्लेम में थोड़ा तेज कर देते हैं इसको, थोड़ा सा तेज मत करना, उबाल आएगा तो देख लेंगे। पानी के मैगी खाने के बाद फिर इलायची वाला दूध पियेंगे लोग, फिर उसके बाद पैकिंग करके निकलते हैं शिमला की तरफ। अब ये मैगी अपने आखिरी चरण में है, तो हो गई मैगी तैयार, अब खाते हैं फटाफट फिर जाते हैं। बर्तन का सामान भी समेटना है बहुत सारा यार, सब फैला पड़ा रहा था, ये देखो कचड़ पचड़, समेटना को पैक भी करना है, बैग बांधना है, बैग बांधना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये हो गया इलायची वाला दूध तैयार, हमारी चाय का कहा है सबसे एक्स्ट्रा, मतलब इसी में बनाती चाय दूध एक्स्ट्रा उबाल के। चलो अरे जाओ टेम्पल, अब देखिए यहाँ पर हनुमान जी कितनी बड़ी मूर्ति है, तो नीचे शिमला से दिखती है रोड से। देखो यार देखिए यार कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, ये आपका शिमला माल रोड से पूरी साफ दिखती है, वहां से अच्छा व्यू आता है। या इधर आपका रिज रोड है, हम रिज रोड आए, वो तो बोला ऊपर, वो जो ऊपर गए थे ना झाकू टेम्पल, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही थी बड़ी सी, ये रही यहाँ नीचे से इतनी बड़ी दिख रही है, इधर ये छोटी हो गई, कितनी छोटी दिख रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ना बाइक चलाने में, इतनी हो गई। महापौर का ऑफिस, ये है माल रोड, ये माल रोड है शायद। ओहो अच्छा है माल रोड है, हम ट्रॉली में नहीं गए ना, पैसे लगता है, पैसे नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, कहाँ से आ रहे ऐसे भाई, पल्ले से खर्चने पड़ रहे हैं यार, पल्ले से लगा के जा रहे हैं घूमने। जो यहाँ लोग ना हिमाचल ड्रेस में फोटो खिंचवा रहे हैं, काट रहे हैं 250 रुपए का, चलो खिंचा नहीं हिमाचली कपड़े में फोटो दिया नहीं राइस तो कहूँ, इतनी मजबूरी 250 भी नहीं हमारे पास कपड़े में। ना शिमला की साइड से तो ये भी आ गया स्टेट,
लाइब्रेरी शिमला, ये ठीक है, और एक चर्च भी आएगा, ठीक है, और एक वो झाकू टेम्पल गए थे, वो एक रिज रोड रे माल रोड, चार पांच जगह है, फिर आएगा कुफरी, एक घंटा लग जाता है और कुछ नहीं वहाँ पे, घोड़े में ले आते हैं ऊपर, फिर आपको व्यूज दिखाते हैं और थोड़ी एक्टिविटी होती है जैसे नैनीताल में होती है, जिप लाइन वगैरह, ये लाइब्रेरी, आप तो निकल लेते यार, हमने कहाँ जाना है इसके बाद, ठीक है अब हम जा रहे हैं, बता दिए तो मैं बार बार क्यों बताऊँ, ये माल रोड पीछे दिखाओ, ये रहा सीधा माल रोड, ओहो प्यास लग गई यार, चाय पीनी है, ब्रेकफास्ट हो गया ऊपर झाकू मंदिर में लंगर हो रहा था, तो मैं खाया चावल और कम से कम चार पांच बड़ी चावल लिए, देते थोड़ा थोड़ा ताकि वेस्ट ना करे, तो पांच बड़ी चावल लिए, पांच बड़ी अलग सब्जी और एक दो हिमाचली डिश भी थी, अच्छी थी, इमली की चटनी लेती गाँव जैसी, ये कुछ अंग्रेजों का बनाया हुआ, ये भी है, इसे क्या है, ये मेयर का ऑफिस है और लाइब्रेरी थी, ये ऑफिस है मंसूरी ने, यार मेरे मुंह से ना मंसूरी निकलता है बार बार, पता नहीं क्या है, मेरे मुंह से ना मंसूरी निकल रहा है बार बार, इसका नाम इतनी मंसूरी से लग रहा है, अच्छा शिमला नैनीताल, अच्छा अच्छा ठीक है, ये रिच ये रिच कहते हैं शायद, माल रोड, यहाँ पे बाइक और गाड़ी अलाउड नहीं है, तभी लोग आराम से घूम फिर पा रहे हैं, ठीक है फिर अब चलते हैं सीधा किन्नौर।